गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, आपको पता ही है कि डेली एंजल गाइडेंस हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं डेली एंजल गाइडेंस की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या है एंजल गाइडेंस आज आप सबके लिए। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स यूनिवर्स सिस्टर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। चलो कार्ड्स निकालते हैं। थ्री कार्ड्स हमेशा की तरह बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे हम। वाओ, टू ऑफ राफेल, वेरी नाइस। सो टू ऑफ राफेल का कार्ड क्या बता रहा है? दो दिल मिलने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चिपके चिपके। सो वही है कि आपका आपके पर्सन के साथ रियूनियन होने वाला है। आपका जो है आपके लव वन के साथ, जो कि बहुत इंतज़ार करने के बाद आपको जो है ये मोमेंट देखने को मिलेगा। ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ये इकरार है, ये आपके पर्सन आपको करने वाले हैं इजहार इसका, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने काफ़ी लंबे टाइम से आपको प्रपोज़ल नहीं दिया था, तो अब ये प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं। यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है कि ये प्रपोज़ल दे सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे है लवर्स, है ना। टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? एक दूसरे को प्यार देना, है ना। तो आपके जो पर्सन है अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं आपसे। आप दोनों की मैरिज हो सकती है, आप दोनों की मैरिज फिक्स हो सकती है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि एक वंडरफुल चेंज आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप निराश हो गए हो अपनी लव लाइफ से, आपको निराश नहीं होना है। एंजल गाइडेंस में यही बताया जा रहा है, निराश नहीं हो, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ को छोड़ करके हम बिजनेस के पर्पस से देखें, तो भी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो, पार्टनरशिप करने के लिए सोच रहे हो, तो वो पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे ये मुझे दिखता है। इसके साथ ही जॉब के लिए देखूँ, करियर के लिए देखूँ, तो जॉब और करियर के लिए भी मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपको जॉब मिल सकता है, करियर में ग्रोथ आ सकती है आपकी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है कार्ड में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कार्ड की बात, ठीक है। अब देखेंगे हम ये कार्ड्स। इसके पहले बता दूँ कि जिनको भी ये ब्रेसलेट लेना है, रोज़ क्वास का ब्रेसलेट और ग्रीन एवेंचर, ठीक है। तो ये मैं करियर के लिए दे रही हूँ। आपका माइंड शांत नहीं रहता है, मन में बेचैनी रहती है, तकलीफ़ होती है, मन परेशान रहता है, एकदम से परेशान होते हो, ठीक। तो ये आप ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, माइंड को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर है, उनका माइंड क्या होता है, इधर उधर भागता है ना। तो ये जो ब्रेसलेट है काफ़ी बेहतरीन है, आपके माइंड को फोकस करेगा, आपके वर्क पे जो भी वर्क करते हो, बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट देता है ये ब्रेसलेट, ठीक है। बिजनेस के पर्पस से भी बहुत ही अच्छा है, और करियर के लिए आप एकदम ले सकते हो। और ये जो ब्रेसलेट है रोज़ क्वास का, ये लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट है। अगर आप इसको लेते हो तो आपकी लव लाइफ में रोमांटिक सी लव लाइफ आपकी होगी, और आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा। आपकी लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ये जो है ना हील करेगा, उनको जो है ये ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। सो इसको जो है आप ले सकते हो। बुकिंग्स अभी स्टार्ट हो गई हैं, पहले भी थी लेकिन अभी जो है स्टार्ट हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद बंद हो जाए, क्योंकि इसका जो है स्टॉक ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो जिनको भी लेना है कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। चलो बात करते हैं इन कार्ड्स की। थ्री ऑफ एरियल, ठीक है।
क्वीन ऑफ एरियल एंड द एम्परर का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स में मुझे क्लियरली दिख रहा है आपका, आपके पर्सन के साथ। देखो आप, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपकी लव लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी लव लाइफ में है यहाँ पे इन्वॉल्व, तो आप उसी की वजह से परेशान हो रहे हो। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, छोड़ो थर्ड पार्टी है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने से मतलब रखना है। आपको क्या करना है, आपको अपने से मतलब रखना है। थर्ड पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है उससे क्या मतलब है ना। आपका पार्टनर बस आपके पास रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, यही सोचो। ठीक है, आप अपने करियर में भी, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिनकी ग्रोथ से, जिनके करियर में अच्छा करने की वजह से दूसरे लोग जल रहे हैं और उनकी निगेटिविटी आप तक पहुँच रही है। ठीक है, उनके निगेटिविटी की वजह से आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो। ठीक, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप जो है ना, देखो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में स्पेशली बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। दूसरों को जलने हैं, जलना है जलने दो, उसकी फिक्र ना करो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, यहाँ पे कार्ड ये बता रहे हैं, क्वीन ऑफ एरियल का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आप बहुत मैच्योर हो, लविंग हो, केयरिंग हो, प्रैक्टिकल पर्सन हो, हैप्पी रहने वाले पर्सन हो। यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दूसरों को बहुत बहुत प्यार से बात करते हो और बहुत प्यार देते भी हो, जिससे आप और भी खूबसूरत बन जाते हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है, आप अपने लव लाइफ में, आप अपने करियर में, ठीक है, प्रैक्टिकल हो करके कुछ सोचो और उसके बाद से एडवाइस देना किसी को। अगर कोई आपको जो है ऐसा देखता है कि हाँ ये पर्सन मुझे बहुत अच्छे से एडवाइस दे सकता है, तो उसको बहुत अच्छे से एडवाइस देना। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, ये एडवाइस देना ज़रूरी है। ओके, तो ऐसा है। और द एम्परर का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी, आप स्टेबल होना चाहते हो, आपके साथ वो जो होता है ना कि हाँ एक राजा है ना जो राज करता है बस, तो वैसे हो आप, मुझे यहाँ पे ये दिखता है। और देखो यहाँ पे कार्ड्स में क्लियरली दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है, आपके जो पर्सन है मुझे बहुत लविंग लगते हैं, बहुत केयरिंग लगते हैं, और लव लाइफ में जो है यहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है इस पर्सन को, ऐसा फील हो रहा है लव लाइफ को लेकर के बात करें तो। और अगर प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ की बात करें आपकी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ आपका जो गोल था, जो अचीवमेंट थी, जो आप अचीव करना चाहते थे अपनी लाइफ में, वो आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करोगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में। सो करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अब अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।